वेलकम टू गाइस माई न्यू वीडियो। तो गाइस आज मेरे पास चाइना का कीपैड मोबाइल आया हुआ है जिसमें प्रॉब्लम है वाइट डिस्प्ले का, और देख सकते हैं इसमें जो ग्राफिक है ये झिलमिलाता हुआ इसमें अलग अलग कलर का दिख रहा है। कभी कभी ये वाइट डिस्प्ले आ रहा है और कभी कभी जो है इसके अंदर जो है ये रंगीन डिस्प्ले आ रहा है, लेकिन ये पूरी तरीके से डिस्प्ले नहीं आ रहा है। कस्टमर का कहना है कि ये फ़ोन बात करते करते हाथ से फिसल गया और ज़मीन पर गिर गया, और उसके बाद ये जो है वाइट डिस्प्ले आ रहा था, और उसके बाद कभी कभी इसके अंदर जो है ये डिस्प्ले की तरफ प्रेस करो तो रंगीन कलर का आने लगता था। तो देख सकते हैं इसके अंदर जो है जैसे मैं डिस्प्ले की ऊपर की तरफ प्रेस कर रहा हूँ तो ये अलग अलग कलर का इसमें जो है मिक्स कलर दिख रहा है। तो ऐसे प्रॉब्लम के फ़ोन को किस तरह से रिपेयर करते हैं आज की इस वीडियो में आप लोग को बताता हूँ। तो गाइस इसमें जो है ये जो प्रॉब्लम आता है, या तो इसका डिस्प्ले टूट गया रहेगा तो ये प्रॉब्लम आता है, नहीं तो हमारे डिस्प्ले के कहीं लाइन वगैरह ब्रेक हो जाता है तो भी ये प्रॉब्लम आता है। ये चाइना कीपैड मोबाइल में अधिक करके ये प्रॉब्लम हैंडसेट में आता है। तो वापस से जो फ़ोन को मैं ओपन करके जो है फिर से बैटरी लगा के चालू किया हूँ, और चालू करने के बाद देख सकते हैं इसमें वाइट डिस्प्ले आता है, और उसके बाद जैसे फ़ोन कम्प्लीट ऑन हो जाएगा और जैसे हम इसका पावर बटन प्रेस करेंगे तो ये जो है ये रंगीन कलर आने लगता है। इसमें सारे कलर मिक्स नज़र आता रहता है, एकदम तारा तारा नज़र आ रहा है इस डिस्प्ले के अंदर, लेकिन इसका डिस्प्ले का जो ग्राफिक है वो नहीं आ रहा है। और जो है ऐसे प्रॉब्लम के फ़ोन को रिपेयर करना काफ़ी जो है, आप अगर चाहोगे तो इसमें नया डिस्प्ले लगाते हैं तो भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। तो इसे किस तरह से रिपेयर करना है, नया डिस्प्ले लगा के आपको पहले चेक कर लेना है। तो यहाँ पर गाइस इसका चाइना का कीपैड मोबाइल है, ये काफ़ी पुराना आईकूल कंपनी का है, तो ये इसका डिस्प्ले मेरे पास नहीं है। तो जो है मैं पहले इसके डिस्प्ले को निकाल लेता हूं, और निकाल के पहले मैं इस लाइनिंग को अच्छी तरीके से चेक कर लेता हूं। इसमें जो डिस्प्ले के स्ट्रिप पे सारे सोल्डर वगैरह अच्छे तरीके से ही लगा हुआ है। तो ये जो प्रॉब्लम आता है ये अधिक करके फ़ोन में गिरने की वजह से जो डिस्प्ले कभी ख़राब नहीं होता है। किसी किसी हैंडसेट में डिस्प्ले ख़राब हो जाता है, किसी किसी हैंडसेट में नहीं होता है। तो ऐसे में जो हमें किस तरह से इसे रिपेयर करना है, पहले हमें डिस्प्ले निकाल के इसकी लाइनिंग को, डिस्प्ले की जो लाइनिंग है उसे अच्छी तरीके से चेक करना होगा कि इसमें जो लाइनिंग कहीं से ब्रेक वगैरह तो नहीं है, क्योंकि गिरने को जैसे जो है लाइन भी ब्रेक हो सकता है। तो मैं इसे अच्छी तरीके से चेक कर लेता हूँ, क्योंकि कस्टमर का कहना है कि इसको डिस्प्ले पर जैसे प्रेस करते हैं तो ये रंगीन कलर का आता है, मतलब इसकी जो लाइनिंग कहीं से ब्रेक होएगा या हमारा डिस्प्ले ख़राब होएगा। तो ऐसे प्रॉब्लम के लिए आपको पहले डिस्प्ले निकाल लेना है, और निकाल के मल्टीमीटर से आपको जो डिस्प्ले की लाइनिंग है उसे अच्छी तरीके से चेक कर लेना है, कोई लाइनिंग यहाँ पे ट्रैक वगैरह टूटा तो नहीं है। तो यहाँ पे जो है अच्छी तरीके से आपको सारी लाइनिंग को चेक कर लेना है। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे जो मैं सारी लाइनिंग को इसलिए चेक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये देखना है कि कोई लाइन ब्रेक तो नहीं है। आप चाहोगे तो इसकी ग्राफिक की लाइन को खाली चेक करना है, क्योंकि इस हैंडसेट में जो है सिर्फ ग्राफिक का प्रॉब्लम है। डिस्प्ले तो प्रॉपर आ रहा है, लाइट वगैरह सब कुछ आ रहा है, वाइट डिस्प्ले भी आ रहा है, लेकिन सिर्फ ग्राफिक नहीं आ रहा है। तो मैं इसकी लाइनिंग को, यहाँ पे सारी लाइनिंग को अच्छी तरीके से चेक कर लेता हूँ, और यहाँ पर देख सकते इसकी जो सारी लाइनिंग है ग्राफिक की वो प्रॉपर आ रही है। यहाँ पर जो है कोई प्रॉब्लम हैंडसेट में नज़र नहीं आ रहा है, सारी लाइन परफेक्ट है, इसमें कोई भी लाइन जो है ट्रैक वगैरह टूटा नहीं है। तो इसका गाइस जो या तो डिस्प्ले ख़राब होएगा या डिस्प्ले की जो स्ट्रिप होता है वो स्ट्रिप पे सोल्डिंग वगैरह टूट गया रहेगा तो भी ये प्रॉब्लम हैंडसेट में आता है। तो पहले जो है मैं इस डिस्प्ले को यहाँ पे अच्छी तरीके से जो है वापस से बैठा के चेक करता हूँ, क्योंकि इसमें जो ट्रैक है ये प्रॉपर सब सही है। तो ऐसे अगर गाइस आप लोग के पास ये फ़ोन आता रहेगा तो आपको डिस्प्ले निकाल के पहले अच्छी तरीके से ट्रैक को चेक कर लेना है, और चेक करने के बाद अगर सारा ट्रैक सही है तो आपको वापस डिस्प्ले लगा के देखना है, अगर नहीं आता है तो आपको नया डिस्प्ले लगा के देखना है। तो यहाँ पे गाइस मेरे पास नया डिस्प्ले तो नहीं है, मैं पुराने डिस्प्ले को वापस से जो इसे रीसोल्डिंग करता हूँ और देखता हूँ ये प्रॉब्लम कहाँ से था, क्योंकि डिस्प्ले पर प्रेस करने के बाद ये रंगीन हो रहा था, तो मतलब इसका मतलब है कि इसका डिस्प्ले की जो स्ट्रिप है वो कहीं से टूट गया था या लूज हो गया रहेगा, जिसके कारण फ़ोन में जो है वाइट डिस्प्ले और ये ग्राफिक का प्रॉब्लम बनता है। ज़रूरी नहीं कि ये स्ट्रिप का ही प्रॉब्लम हो, इसका डिस्प्ले का भी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ये वापस से यहाँ रीसोल्डिंग करने के बाद इसका ग्राफिक नहीं आएगा तो मैं इसका नया डिस्प्ले लगा के चेक करके देखता हूँ, क्योंकि नया डिस्प्ले मुझे लाना पड़ेगा।
तो यहाँ पे मैं सोल्डिंग अच्छी तरीके से मार लिया हूँ, और मारने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं डिस्प्ले पे लाइनिंग भी है, और देख सकते हैं इसकी जो ग्राफिक है ये आ गया। मतलब इस हैंडसेट में प्रॉब्लम था, सिर्फ इसकी ट्रैक कहीं से लूज हो गया था डिस्प्ले का, जिसके कारण जो है इस हैंडसेट में ग्राफिक नहीं आ रहा था, वाइट डिस्प्ले आ रहा था। तो इस तरह गाइस ऑलमोस्ट कोई भी चाइना कीपैड मोबाइल में डिस्प्ले का प्रॉब्लम है तो आपको डिस्प्ले निकाल के चेक करना है अच्छी तरीके से। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर